तर जम्मू काश्मीरमध्ये सेक्टरमध्ये शनिवारी पाकिस्तान बॉर्डर ॲक्शन टीम म्हणजेच PATच्या घुसखोरीचे प्रयत्न भारतीय जवानांनी हाणून पाडलेत. त्या कारवाईमध्ये पाकिस्तानी लष्कर किंवा दहशतवाद्यांच्या गटातील 5 ते 7 जण ठार झालेत. आता या सर्वांचे मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी पाकला देण्याची तयारी भारतीय लष्करानं दाखवली आहे. तर पाकिस्तानी लष्करानं पांढरा झेंडा घेऊन यावं आणि ते मृतदेह परत घेऊन जावे असं आवाहन भारतीय लष्कराच्या वतीनं करण्यात आलंय. तर गेल्या 2 दिवसात काश्मीरमध्ये जैश ए मोहम्मदचे 4 दहशतवादी मारले गेलेत. तर ठार झालेल्या दहशतवाद्यांकडून स्नायपर रायफल, IED आणि पाकिस्तानात तयार झालेले सुरुंग मिळालेत. त्याचबरोबर पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाचे प्रकार देखील वारंवार समोर येत आहेत. ये पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रही है कि वो डिनाई करते आ रहे हैं. बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी उन्होंने डिनाई किया था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने किया था LOC के पार उसका भी उन्होंने डिनाई किया था. तो पाकिस्तान की झूठ बोलने की फितरत है और ये पाकिस्तान क्यों कर रहा है इसके ऊपर हमने गौर करना चाहिए. फिलहाल पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत नाजुक है, इकोनॉमिकली भी, और पूरे दुनिया में पाकिस्तान अभी एक आतंकी राष्ट्र बनने के कगार पर है. दूसरी बात ऐसी कि पाकिस्तान का ये जो एजेंडा है आतंकवादियों का और कश्मीर का, ये जो अलगाववादी कश्मीर में मौजूद है वो रन नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है, इन अलगाववादियों के ऊपर. इनके ऊपर NIA के रेड्स गिरे हैं. तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ, डरा हुआ है. पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि उसने क्या करना चाहिए. और इसीलिए यह सबसे आसान तरीका है कि डिनाई करो कि हम ये बॉडीज नहीं लेंगे, ये हमारे तो है ही नहीं, ये तो कोई आतंकवादी है और भारत झूठ बोल रहा है, भारत का ये झूठ का प्रोपेगेंडा है. झूठ बोलने की फितरत पाकिस्तान की है. यूनाइटेड नेशंस में आप सीरिया का फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये कश्मीर में इस प्रकार के बर्बरता भारतीय सेना करती है कश्मीरियों के ऊपर, और वो क्लियर लाए है, ये क्लियर झूठ है, ये हमने प्रूफ करके दिया था. तो ये सारी जो स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की, ये काम नहीं आने वाली है. हम बहुत स्ट्रांग है, हम LOC को डोमिनेट कर रहे हैं और करते रहेंगे.